गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरुंग से जुड़े कुछ परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी के बाद प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस ने एक दूसरे पर पथराव किया और एक कार को आग लगा दी गई। गुरुंग का अलगाववादी आंदोलन बेहद हिंसक रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार के दरभंगा में सभा की। यहां अपनी स्पीच में उन्होंने तीन तलाक का मुद्दा उठाया। उन्होंने नीतीश से सवाल किया कि वे इस मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश जी आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, कभी तीन तलाक के खिलाफ आपकी आवाज क्यों नहीं निकली। उन्होंने बिहार में लालू और नीतीश की जोड़ी को बेमेल बताया। योगी ने बुलेट प्रूफ मंच से अपनी स्पीच दी। ये सभा मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर की गई थी। ओडिशा के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का जब वहां कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स ने विरोध किया तो उन्होंने कहा, आपकी मर्जी, आप चाहे तो मुझ पर अंडे फेंक सकते हैं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, उनका आमलेट बनाकर खा लूंगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्रालय के तीन साल की उपलब्धियां बताते हुए कई मसलों पर अपनी बात रखी। पशु बिक्री पर रोक वाले सरकार के नोटिफिकेशन पर उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के खाने पीने की चॉइस पर दखल नहीं देना चाहती। यूएस के टॉप सीनेटर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने नॉन अलाइंड की फिलॉसफी तोड़ी है। ये पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की रही है। आपको बता दें कि 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कई नेताओं के साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था। आरएसएस की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अयोध्या में बुधवार की शाम इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की। इसमें मुसलमानों ने गाय के दूध से रोजा खोला। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, इफ्तार के बाद मुस्लिमों ने शपथ ली कि वे बीफ नहीं खाएंगे क्योंकि इससे बीमारियां होती हैं। उन्होंने माना कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है और इसके औषधि मूल्य हैं। आपको बता दें कि इंद्रेश प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट पहुँचे थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। मध्यावधि चुनाव हुआ तो बीजेपी को अकेले बहुमत मिल जाएगा, कोई हमें सरकार को अस्थिर करने की धमकी न दे। दरअसल ये शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर सीएम का पलटवार था। राउत ने कहा था कि जुलाई के बाद सरकार मुसीबत में होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज बदलाव का फैसला लागू होने से एक दिन पहले गुरुवार को ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यूरोप की तीसरी बड़ी कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूल रिटेलिंग में निवेश का न्योता दिया है। आज आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके पार्टनर बीपी के बॉब डूडले उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बर्मिंघम में आज चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी का मौका दिया है। भारत ने अंतिम ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर अंतिम चार में जगह बनाई है। आज भारतीय शेयर बाजार की चाल सुस्ती भरी रही है और सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान शुरुआती तेजी के बाद बाजार में कमजोरी हावी हो गई। आज निफ्टी में 9,560 तक और सेंसेक्स में 31,025 तक के निचले स्तर देखे गए थे। मिड कैप शेयरों में बिकवाले का दबाव दिखा, वहीं स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है।